ऑनलाइन ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आपको एक ऐसे ऑनलाइन ठगी करने वाली एक महिला और दो नटवरलाल की कहानी बता रहे हैं, जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों की ठगी किया करते थे। इन लोगों के महंगे शौक ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, ये लाखों की ठगी करने वाले VIP लोग हैं। इन लोगों ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी की है। इनके मासूम चेहरे पर मत जाइए, ये बड़े ही शातिर दिमाग ठग हैं। हाथ में हथकड़ी पहने ये लोग कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुके हैं, लेकिन अब खुद ही बस्तर पुलिस के जाल में फंस गए। इन्होंने जगदलपुर के एक व्यक्ति से 28 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी और इनके महंगे शौकों ने इन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। फेसबुक के माध्यम से फ्रेंडशिप का ठगी करने के मामले में नेपाली मूल के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2020 में इन तीनों ने जगदलपुर में रहने वाले 70 साल के सरदार दरबारा सिंह से फ्रेंडशिप की, गिफ्ट भेजने और गिफ्ट की कस्टम ड्यूटी के नाम पर दरबारा सिंह से अलग अलग किस्तों में कुल 28 लाख रुपए अपने खाते में ठगी करके जमा करवाए। जब दरबारा सिंह को ठगी का पता चला तो उन्होंने बोधघाट थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले के जो पीड़ित हैं उन्हें फेसबुक पर फ्रेंडशिप करने और कुछ सामान गिफ्ट भेजने और कस्टम ड्यूटी के नाम पर जो है 27 लाख रुपए ठगी करना स्वीकार किया गया है और इसमें तीनों आरोपियों के कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए नकद, 5 अलग मोबाइल, अलग अलग बैंकों के 10 ATM कार्ड, इसके अलावा पासबुक, चेकबुक और अन्य आवश्यक जो दस्तावेज और साथ में नेपाल का एक पासपोर्ट जो है बरामद किया गया है। और इस मामले में तीनों आरोपी सोमराज थापा, रेणुका गुसाई और राजू वितांग, तीनों को गिरफ्तार कर दिल्ली से छत्तीसगढ़ लाया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।